अब देखो, अभी हाल ही में मैंने आपको गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स के बारे में काफी कुछ अपडेट दी थी, जैसे कि हाउस ऑफ ड्रैगन का सीजन 2 जिसकी फिल्मिंग सितंबर 2023 में खत्म हो चुकी है, जिसके बाद ये शो जा भी चुका है अपने पोस्ट प्रोडक्शन वर्क में। एंड हाल ही में ऐसी अपडेट निकल के आई है कि सीजन 2 हमें देखने को मिल पाएगा समर 2024 में, विच मीन्स मई या फिर जून के आसपास। और साथ ही हमें अपडेट जानने को मिल गई थी गेम ऑफ थ्रोन्स की स्पिन ऑफ सीरीज के बारे में, जिसे HBO ने इस साल 2023 में ही ऑफिशियली कंफर्म कर दिया था। एंड उसका नाम है अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स द हेज नाइट, जो कि असल में बेस्ड है मार्टिन की बुक डंक एंड एक के ऊपर। एंड अभी हाल ही में इसके बारे में ऐसी अपडेट निकल के आई है कि इस टीवी सीरीज की शूटिंग चालू होने वाली है 2024 के स्प्रिंग से, यानी कि मार्च या फिर अप्रैल के आसपास से। एंड इस शो पर काफी लंबे टाइम से HBO काम कर रहा था, जिसके बाद ऑब्वियसली सवाल निकल के आता है कि प्रेजेंट टाइम पर गेम ऑफ थ्रोन्स की बाकी स्पिन ऑफ सीरीज के साथ क्या सीन चल रहा है, खासकर जॉन स्नो की सीक्वल सीरीज के साथ, जिसको लेकर पहले भी ऐसी अपडेट निकल के आ चुकी है कि किट हैरिंगटन जो कि जॉन स्नो का रोल प्ले करते हैं, तो वो इस टीवी सीरीज के अंदर काफी लंबे टाइम से हैविली इन्वॉल्व हैं। एंड फिलहाल के लिए इस टीवी सीरीज का वर्किंग टाइटल रखा गया है स्नो। साथ ही हमें इसके बारे में ऐसी अपडेट भी जानने को मिली थी कि ये टीवी सीरीज अभी भी अपने अर्ली डेवलपमेंट फेज में ही है, जिसके पीछे का रीजन है सीरीज को आगे कंटिन्यू करने के लिए कोई अच्छी कहानी का ना मिलना। बट अभी हाल ही में HBO के CEO कैसे ब्लॉइस ने गेम ऑफ थ्रोन्स की मल्टीपल स्पिन ऑफ सीरीज के बारे में कुछ नई बातें कही हैं। हमारे पास काफी लंबे टाइम से गेम ऑफ थ्रोन्स की ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं जो कि अभी अपने डेवलपमेंट फेज में हैं, एंड इस साल हमने उनमें से एक शो को ऑफिशियली कंफर्म भी कर दिया है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि इस गेम ऑफ थ्रोन्स के वर्ल्ड में ऐसी और कोई भी सीरीज नहीं है जो कि ग्रीन लाइट मिलने के क्लोज हो, यानी कि उनके हिसाब से अभी भी ऐसे और भी शोज हैं जिन्हें ग्रीन लाइट मिल सकती है। बट हम हमेशा से ही कुछ डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड आइडियाज के ऊपर काम करते आ रही हैं, तो इसीलिए ग्रीन लाइट भी उनमें से ही किसी एक शो को मिल पाएगी। तो इसीलिए ऐसा हो सकता है कि आगे चल के हमें जो बचे हुए गेम ऑफ थ्रोन्स की स्पिन ऑफ सीरीज है उनमें से कोई एक टीवी सीरीज ऑफिशियली कंफर्म होती हुई देखने को मिले, जैसे कि जॉन स्नो की सीक्वल सीरीज द सी स्नेक जो कि बेस्ड होगी कॉर्लिस वेलरियन की वॉयजेस के ऊपर, नाइमेरिया यानी कि 10 के शिप्स, या फिर वो हो सकती है कुछ अदर एनिमेटेड टीवी सीरीज। हालांकि HBO काफी टाइम पहले ही ये बात कंफर्म कर चुका है कि सभी को ग्रीन लाइट नहीं मिलने वाली, सिर्फ कुछ ही को मिल पाएगी, एंड वो वही हो पाएगी जिसकी कहानी और आइडियाज काफी यूनिक और अच्छे होंगे, वरना उसे भी फ्लेयर बॉटम और ब्लड मून की तरह कैंसिल कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। बाकी आप इनमें से किसके ऊपर एक स्पिन ऑफ टीवी सीरीज देखना चाहोगे तो नीचे उसका नाम के आगे हैशटैग लगाकर कमेंट करना मत भूलना, एंड आगे इसके बारे में जो भी अपडेट निकल के आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा।